वन कुकिंग विद पूजा में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आम पापड़ा की चटनी बना रही हूँ। इसके लिए टमाटर लें और इसे 2 सीटी में उबाल लें और इसे छील लें। अब हम आम का पापड़ लेंगे, काजू, किशमिश, मस्टर्ड सीड, सूखी लाल मिर्ची और चीनी। अब हम मिक्सर जार में टमाटर को डालेंगे। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर इसमें हम आम पापड़ा डालेंगे। आप इसमें छुहारा भी डाल सकते हैं, उसे फुला के 2-3 घंटे के लिए। अब इसे हम अच्छे से इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखें, इसमें येलो मस्टर्ड और सूखी लाल मिर्ची डालें। अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी डालेंगे। हम आज थाली तैयार कर रहे हैं। अब इसमें हम चीनी देंगे। ये चटनी खिचड़ी के साथ, पूरी के साथ खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। अब इसमें हम थोड़े से काजू और थोड़ी सी किशमिश देंगे। अब इसमें थोड़े से मगज़ देंगे और इसे अच्छे से भूंज लेंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक इसके कलर चेंज ना हो जाए तब तक इसे भूंजेंगे। अब इसमें थोड़ी सी धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, थोड़ी सी नमक देके इसे अच्छे से मिक्स कर दें। ये चटनी खाने में काफ़ी यम्मी है, एक बार ज़रूर इसे ट्राई करके देखें। या आप समोसा के साथ भी खा सकते हैं। अब हम चटनी हमारी रेडी। अब हम दही की चटनी बनाएंगे। इसके लिए दही लें, हरी मिर्ची लें, इसे 2-3 सीटी में उबाल लें। अब हम इसमें नमक डालेंगे, काला नमक, थोड़ा सा, थोड़े से भूंजा हुआ जीरा। अब हम थाली तैयार करें। इसके लिए सरसों पीसी हुई, मोटी वाली सरसों को पीस लें, काली वाली 1 चम्मच वो डाल दें। थोड़ी सी सरसों का तेल दे दें। ये चटनी भी खाने में काफ़ी यम्मी है। अब इसमें हम सादा नमक डालेंगे थोड़ा सा, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर दें। ये चटनी हमारी रेडी है। अब हम मेथी की कचौड़ी के लिए आटा लगाएंगे। इसके लिए आटा और बेसन लें। अब मेथी को हम अच्छे से भूंज लेंगे सारे मसाले देके। अब हम इसे आटे में डाल के डो बना लेंगे। अब इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ तल लेंगे हम। कढ़ाई में तेल गरम करके पूड़ियाँ तल लें। अब हमने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है। और ये थाली हमारी रेडी है। ये सब्ज़ी भी खाने में काफ़ी यम्मी है। ये पूड़ी, मीठी चटनी, आलू की सब्ज़ी, दही पसंद आए तो